एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल से लो बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के शॉर्ट हेयर में अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया ना, जल्दी से कर लो गाइज, एंड प्लीज़ जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो ताकि मेरा सिल्वर प्ले बटन आए और हमारी फैमिली 1 लाख तक की हो जाए। और आप लोग के आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और भी अमेजिंग वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए मैं इस तरीके से दोनों साइड से हेयर को ले रही हूँ, सेंटर पार्ट से रख रही हूँ। आपकी चॉइस है, आपको जैसे रखना हो वैसे आप रखिएगा। तो इस साइड से थोड़ा सा लेयर लिया है मैंने, लो बनाना है तो इसलिए आपको नीचे थोड़ा सा लेना है इसको। ओके, अब आपको यहाँ पे एक पतला वाला रबड़ बैंड लेना है, इस टाइप का रबड़ बैंड लेना है और यहाँ पे लगाना है। ओके, इसको टाइट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे। अब सेंटर से हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल चोटी यहाँ पे गूंथेंगे हम। एंड तक गूंथ लेंगे। ओके, डबल बैंड जो है उसको नीचे तक लाएंगे एंड जो हमने चोटी बनाई है इसके भी एंड पे एक डबल बैंड लगा देंगे। मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में कटे हुए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेयर निकल जाए, तो ये माइंड मत कीजिएगा। अब ये जो हमने डबल बैंड लगाया था जस्ट इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और यू पिन लेंगे, यू पिन की हेल्प से सारे हेयर्स को सिक्योर कर देंगे। काफ़ी खूबसूरत सा बना सा बन के रेडी होगा। आप साड़ी पे इसको बना सकते हो इस तरीके से, चारों तरफ से आपको अच्छे से यू पिन्स लगा देना है। ओके, वाह, जो आपके हेयर निकल रहे हैं क्योंकि लेयर्स में कट हुए मेरे, उस पर आपको दोबारा से ये पिन लगा देना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब आपको यहाँ पे फ्लैट लुक दिखेगा तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेना है जिससे कि फ्लैट लुक ना दिखे और बन जो है वो काफ़ी स्टाइलिश दिखे। तो इतने छोटे वालों में आप इस तरीके से बन बना सकते हो और साइड से अगर फ्लिक्स कट है तो आपका इस तरीके से निकल सकता है, तो इसको आप क्लिप की मदद से सिक्योर कर लीजिएगा। लो बन बना सकते हो, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके की एयरिंग्स के साथ। सेंटर से आप खींच लीजिएगा हेयर को। तो कैसा लग रहा है गाइज आपको, आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो कमेंट हो सॉरी ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। फ्रंट से मैं सेंटर पार्टीशन रख रही, मैंने पहले ही बोला आपको जैसा रखना हो आप रख लीजिएगा, लेयर्स नीचे से निकालिएगा अगर निकालना भी होगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड हेयर स्टाइल। तो सेकंड हेयर स्टाइल के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली सारे बालों को एक पोनी बनानी है इस तरीके से, सारे हेयर्स को ले लेना है। सिंपली एक पोनी टेल बनाएंगे, पतला मोटा आपकी चॉइस है, जैसा रबर बैंड लगाना हो आप लगा लीजिएगा। इस तरीके से एक पोनी बनानी है, उसके बाद से आपको यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा हेयर को लूज करना है। ओके, इस तरीके से, और फिंगर को इंसर्ट कर लेना है, जितने भी हेयर हैं आपको इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करके इसके अंदर से इस तरीके से खींचेंगे
और इसी तरीके से रखना है और नीचे लाके इसको यू पिन से सिक्योर कर देना है। ओके, इस तरीके से 3-4 यू पिन लगा के अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इस साइड में एक क्लचर या फिर जो भी आपके पास हेयर अरेंजमेंट करने वाला प्रोडक्ट हो वो आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लग रहा है। अगर आपको हेयर सजाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास तो आप ये जुड़ा तीन छोड़ सॉरी क्लचर को छोड़ के आप वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हेयर स्टाइल को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। तो मेरे पास इस तरीके का एक इस तरीके का एक रबर बैंड है, मैं क्लचर को हटा रही हूँ एंड रबर बैंड को इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पे यू पिन से इसको सिक्योर कर दूँगी ताकि जो हेयर स्टाइल है उसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ जाए और ये हमारा रबर बैंड भी यूज हो जाएगा। इसमें तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा स्टाइलिश सा हमारा बन यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। और ये हमारी जो फ्लावर वाली रबर बैंड आती है इसकी मदद से आप खूबसूरत सा अपने हेयर बन को लुक दे सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है। लेस निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा और हेयर अगर आपके बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप सेटिंग स्प्रे से उसको सेट कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा ये वाला हैक एंड ट्रिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, मिरर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा दिख रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, ये विटामिन ई की कैप्सूल के बारे में मैंने बताया है आपको, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और अच्छा है। आपकी स्किन पे अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या फिर रिंकल्स आ रही हैं, फाइन लाइन्स हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं आपकी, आप अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो अपने चेहरे की वजह से, तो आप इस ये जो आपका कैप्सूल है इसको गुलाब जल ले लेना। अपने फेस को अच्छे से गीला करना है एंड इस कैप्सूल को एक कैप्सूल लेना है, इसको पंक्चर करके इसका जो ऑयल होता है उसको निकालना है एंड आइज पे इस तरीके से मसाज करना है। ये डार्क सर्कल पे तो इफेक्ट करेगा ही, जहाँ भी आपके फाइन लाइंस हैं जैसे आइज के पास हमको अक्सर इस तरीके से लाइन पड़ जाती है, यहाँ पे इस तरीके से मसाज करना है, यहाँ पे पड़ती है, सब जगह पूरा अच्छे से मसाज कर देना है। रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ना है, सुबह वॉश कर लेना। आप डे में लगाओगे तो ये थोड़ा सा आपको सांवला सा फील करेगा, तो आप नाइट में लगाइएगा। डे में सिंपल पानी से या फिर जो आप फेस वॉश यूज करते हो वो यूज कर लीजिएगा। इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने खुद ट्राई किया है, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। और बताइएगा आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। बाय बाय।